बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रसमलाई की रेसिपी, ब्रेड रसमलाई की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा क्विक होगी। आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगेगा इसमें, और अगर आपके घर पर अचानक से गेस्ट भी आ जाते हैं तो आप इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चले हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जो है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और ये मैं आप लोगों को छोटी सी यहाँ पर टिप दूंगी कि जब आप दूध बॉयल करने लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें। तो इससे क्या होता है कि दूध नीचे नहीं लगता, ठीक है। और जब थोड़ा सा पानी ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा किलो दूध ऐड कर देंगे और ये फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। आपके पास अगर कोई दूसरा है तो वो भी ले सकते हैं, प्रेफरेबली आप यही लीजिएगा। और अब इसके अंदर 2 से 3 इलायची आपने डाल देनी है खोल कर, ताकि इलायची का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो वेल एंड गुड है, उसको आप 1/2 टीस्पून के करीब डाल सकते हैं। मतलब ये इलायची ना मुँह में आती है तो इतनी अच्छी नहीं लगती है, कुछ लोगों को लगती होगी बट मुझे नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए अगर हम इसका जो है पाउडर डाल देना तो वो अच्छी बात हो जाती, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो जिनके पास नहीं है वो ऐसे भी डाल सकती हैं। तो इसको आपने रख देना है। अब हमने इसको ना तकरीबन थोड़ा सा गाढ़ा करना है, और आपने इसको ऑन एंड ऑफ के अंदर जो है ना चम्मच हिलाते जाना है, ताकि ये जो नीचे नहीं लगे और दूध बॉयल भी ना हो जाए। बाकी हमने बस इसको अभी, और इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट जो है हमने नहीं ऐड करना है, और इसको हमने पकने देना है। मोस्टली जो हमारी रेसिपीज़ है ना रसमलाई वगैरह की, ट्रेडिशनल रेसिपीज़, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं और बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दिया है, 2 to 3 टेबल स्पून जो आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है, और अब इसको मिक्स कर देना है। मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, मोस्टली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है ना ये रेसिपीज़ बना सकें। तो हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है, इसका भी है कि हम लोग इसे ब्रेड के साथ बना सकते हैं, और ब्रेड के साथ बनाएंगे तो ये कम टाइम में बन जाएगी और ईजिली बन जाएगी, और जब भी आपका दिल चाहे ये क्विक रेसिपी होगी, आप इसको बना सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब दूध है, और उसके अंदर हमने ना 1/2 टीस्पून कस्टर्ड ऐड कर देना है। यहाँ पर मेरे पास वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड है, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। और हमने इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इसका थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा, ठीक है, येलो येलो आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, और इसका फ्लेवर जो है ना वो भी इन्हेंस हो जाएगा। तो हम अब इसके अंदर ये जो डाल देंगे, और डालते अगर आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ये मैंने तकरीबन ना 2 चम्मच दूध के अंदर डाला था, आधा चम्मच 1/2 टीस्पून कस्टर्ड, और अब इसके अंदर और कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। और अब आपने इसको पकाते रहना है, और इसको तकरीबन आपने हाफ कर लेना है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा हार्ड हो जाएगी, हमने कस्टर्ड डाला है थोड़ी सी उससे भी हार्ड हो जाएगी, बाकी पकने से हो जाएगी, और इसका जो है ना अच्छा सा फ्लेवर आने लग जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड किया है, और इलायची का तो आप सब लोगों को पता ही है। तो बस ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको पकने देना है। और दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, और ये देखें, ये ना ढक्कन है, ठीक है। आप कोई छोटा ग्लास भी ले सकते हैं जिसके ना थोड़े से शार्प है, जिसको कट करने में ज़रा आसानी हो। और एक ब्रेड से हम लोग 4 जो पीसेस कट करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने 4 पीसेस एक ब्रेड में से निकाल लेने हैं, और ये साइज़ आप देख लें, साइज़ आप इतना ही रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के घर पे अवेलेबल होना चाहिए, उससे आप इसको, कुकी कटर होगा आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके रसमलाई की जो शेप्स हैं वो बना लेनी है। ये जो ढक्कन था ना, इसका थोड़े शार्प एजेस नहीं थे मेरे पास, जो अवेलेबल था ना उसके शार्प एजेस नहीं थे, और इस साइज़ का कोई छोटा ग्लास भी नहीं था शार्प एजेस वाला, तो इसलिए मैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हो जाएगा। आप लोगों के घर पे जो भी चीज़ हो ना आप उसके साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके पीसेस बना लिए हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सारी ब्रेड्स हैं ना, हम इनके बना लेंगे। ये देखें आप, इसका मैंने साइज़ छोटा रखा है, आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल साइज़ है। और अब ये देखें जी, ये सारे हमने तैयार कर लिए हैं, और ये जो हमारा ब्रेड बच गया ना, हमने इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको हमने इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, और जब भी हमें कभी ज़रूरत हो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये बाकी में भी यूज़ होंगे और इस रेसिपी में भी यूज़ होंगे। तो आपने इसको, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे ब्रेड स्लाइसिस हैं उन्हें हमने थोड़ा सा प्लेन कर लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें, ये डिफरेंस है इतना सा, ये रियल स्लाइस है, उसको हमने थोड़ा सा प्लेन किया। ये देखें, ये सब सेट हो चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप है, यहाँ पर हमने ना तकरीबन 3 चम्मच
खुश्क दूध ऐड करना है, आपके पास कौन से कोई सा भी अवेलेबल हो ना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे खुश्क दूध से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पर एक चम्मच बादाम है, ये हमने ऐड कर देने हैं। इनको काट लंबी शेप में इसको काटा हुआ है। और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो हमने इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, वो हम इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 3 चम्मच। और इनको मिक्स करने के साथ साथ अगर यहाँ पर ना हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जितना हमें रिक्वायर होगा ना, मैं आपको साथ में बताऊँगी। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा इसका ना पतला नहीं हमने इसको करना है। बस हमने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ। ये जो हम बना रहे हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना दूध खुश्क दूध को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चले नहीं अवेलेबल तो आप स्किप कर भी सकते हैं आप। और ये देखें, यहाँ पर दूध थोड़ा सा और डाल देना है और इसको सही कर लेना है। ये देखें, अब ये इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, वाटरी वाटरी से हमने इसको नहीं बनाना है। तो जी यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने ब्रेड का जो स्लाइस है वो लेना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमारा ये बैटर है, हमने इसके ऊपर डालना है और दूसरे स्लाइसिस को इसके ऊपर रख देना है और इसको अच्छे से एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है, ठीक है। आप साइड से आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे से जुड़ जाएगा। और इसको ना ख्याल कीजिएगा कि ये खुले ना, खुलेगा तो जब हम इसके ऊपर दूध डालेंगे तो खुल जाएगा, तो उसका कोई शेप नहीं होगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात की आपने कोशिश करनी है कि ये देखें चारों तरफ से अच्छे से ये जुड़ जाए। तो ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब इस ये आपने सारे बना लेने हैं। दूसरी तरफ हमारा दूध है, ठीक है। और ये जो हमारा बच गया है ना, ये हम दूध के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट भी अच्छा ही आएगा और हमने इसको वेस्ट नहीं करना है। तो हमने इसको दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। और कोई सा भी आप जो भी मेरे पास यहाँ पर छोटी सी ट्रे है, मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप जिस भी चीज़ के अंदर ऐड कर रहे हैं ना, आपने उसके अंदर ये रख लेनी है रसमलाई, और ऊपर से ये जो दूध डाला है हमारा वो इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें, ये जो हमारा बचा था ना, ये इसके अंदर ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा ठीक होगी और इसका टेस्ट भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा सा आप ज़्यादा बना लीजिएगा। तो ये देखें जी, इसके ऊपर हमने दूध डाल देना है। और इसका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था, स्पेशली जो कस्टर्ड और खुश्क दूध हमने डाला है ना, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। और यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर बादाम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास पिस्ते हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं लिए। पिस्ते से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, आप वो भी ले सकते हैं। तो जी माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी क्विक रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है रसमलाई की। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ इसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।